आप सभी दर्शकों को सैबत में स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सबसे ऊपर, जिसने हमें ये दिन दिखाया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। पवित्र वचन से पढ़ना चाहूँगी रोमियो लूका की किताब, उसका 18 चैप्टर और 27 वर्स। यीशु ने कहा, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव हैं वे परमेश्वर के लिए संभव हैं। पवित्र वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग के प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमें ये सैबत, होली सैबत दिन परमेश्वर तूने दिया है कि हम तेरे को याद कर सकते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं परमेश्वर। हर जन के साथ रहिए परमेश्वर, जो भी हमारे साथ इस समय ऑनलाइन मीडियम से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उनके भी साथ रहिए, उनको अपनी आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर स्पीकर के लिए, हर बोलने वाले के लिए, जो भी आज बोलते हैं परमेश्वर, उनको अपने रूह से भर दीजिए परमेश्वर कि जो भी वो बोले, हर इंसान जो सुनता है वो उससे आशीषित हो सके परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे मीठे और मुबारक नाम में होके मानते हैं, आमीन। Oh,
हमारे यीशु महिमा के योग्य है। आइए उसकी आराधना करेंगे, आइए हम सब लोग मिलके उसकी स्तुति करेंगे। समय एक छोटी सी टेस्टिमनी मैं शेयर करना चाहूँगी। करीबन 2 महीने पहले की बात है और एक दिन मैं ऐसे काम से जल्दी आ गई और बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगा मुझे। तो मुझे लगा ठीक है, थकावट हो है काम का तो आराम करते हैं, कल ऑफिस नहीं जाऊँगी, आराम कर लूँगी। तो अगले दिन भी वही तबीयत वीकनेस लगने लग गई और शाम तक जो है मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। मुझे सांस लेने में जो है बहुत दिक्कत होने लगी, थोड़ा सा चल रही हूँ, नीचे वॉक करने जा रही हूँ, खाना बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है सांस फूल रही है, हर 5-5 मिनट में सांस फूल रही है। तो मुझे लगा ठीक है कोई वायरल होगा दुबई में, क्या पता कोई वायरल हो और आराम करने से ठीक हो जाऊँगी। तो पैनाडॉल जो यहाँ पे जैसे डिस्प्रिन क्रोसिन होती है इंडिया में, यहाँ पे पैनाडॉल है तो मैं वो ले रही थी। 1-2 दिन घर में ही रही लेकिन तबीयत जो है ठीक हो नहीं रही थी, वही की वही तबीयत थी मेरी। तो फिर 2 दिन बाद मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसा ऐसा है आपका तो आप टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट, क्या पता वायरल हो आपको, आजकल वायरल बहुत चल रहा है यहाँ पे मौसम के बदलने से, तो आपका क्या पता वो। फिर ब्लड टेस्ट कराया तो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल निकले मेरे। डॉक्टर ने कहा कि आपके रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है और क्या करिए आप ऐसा कि आप जो है कोविड टेस्ट करा लीजिए, क्या पता वो नेगेटिव ही आए। लेकिन ये है कि आपको और कोई सिम्टम तो है नहीं, आपको बुखार बिल्कुल है नहीं, खांसी जुकाम बिल्कुल है नहीं, सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्या पता उसमें नेगेटिव ही आए, लेकिन आप करा लीजिए एक बार। तो उसी समय फिर थोड़ा डर लगा मुझे कि अच्छा ठीक है कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा, लेकिन उसी समय मैं गई, कोविड का टेस्ट मैंने कराया और मैं घर आ गई।
जैसे आपको पता है कि मैं दुबई में रहती हूँ बहुत सालों से, बाहर का कंट्री है, आप बीमार पड़ जाओ, कुछ आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको वही है कि इंडिया का ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं बीमार पड़ी हुई ना, क्योंकि बीमार पड़ो तो यही है कि इंडिया जाओ, इंडिया में आप अपना करवाओ ट्रीटमेंट वगैरह, मेडिकेशन वहीं करवाओ। तो मैं बहुत डर गई इस वजह से कि मैं अगर कुछ हो गया या कुछ टेस्ट ऐसे आ गया तो मैं कैसे ट्रैवल कर पाऊँगी, ट्रैवल तो कर ही नहीं पाऊँगी मैं, तो मैं कैसे करूँगी, कहाँ जाऊँगी, क्या कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो सोच में मैं शाम को बैठी रही और प्रार्थना करती रही परमेश्वर से, उसके वचन में से पढ़ती रही, और ऐसे ही मैं जो है आराम से सो गई फिर रात को। और एक दो दिन वही तबीयत रही मेरी, सांस लेना, सांस फूलना, थोड़ी कोशिश करी मैंने कि चलिए वॉक करके आती हूँ नीचे, लेकिन हालत ख़राब ही थी मेरी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सांस लेने में। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता मेरा पॉजिटिव ही आ जाए रिज़ल्ट, अगर आ गया तो क्या होगा। उस डर में वो एक दो दिन मैंने 48 आवर्स जो कहते हैं वो निकाले मैंने। माँ बाप भी बहुत ज़्यादा डर गए मेरे उस समय। फिर जब टेस्ट रिज़ल्ट आया तो टेस्ट रिज़ल्ट आया नेगेटिव, तो मैंने बहुत परमेश्वर का धन्यवाद किया इस चीज़ का कि परमेश्वर कोविड तो नहीं है मुझे। और ऐसा मैंने महसूस किया कि जिस दिन टेस्ट आया उसके एक दो दिन बाद मेरी तबीयत अचानक से अपने आप ठीक होती चली गई, सांस लेना एकदम नॉर्मल हो गया मुझे, नॉर्मल कुछ नहीं, वीकनेस नहीं लग रही थी, अचानक से ऐसा लगा कि मैं कभी बीमार पड़ी ही नहीं थी, कुछ मुझे कभी हुआ ही नहीं था, बिना दवाई के बिना कुछ के अचानक से पता नहीं कैसे मैं ठीक हो गई। तो इस चीज़ में मैं सिर्फ धन्यवाद देती हूँ हमारे परमेश्वर का कि मुझे मेरे प्रार्थनाओं का, मेरे माँ बाप की प्रार्थनाओं का, मेरे रिश्तेदार जो प्रार्थना कर रहे मेरे लिए, उन लोगों का प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर ने मुझे ठीक कर दिया। ऐसे इस समय पे हमें परमेश्वर की ज़्यादा याद आती है, हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें तो संभाल के रख, बट परमेश्वर ऐसे ऐसे काम ही करता है, काम करता है हमारी ज़िंदगी में, ऐसे ऐसे मिरेकल्स करता है कि हम अचंभित रह जाते हैं। तो ये मेरे लाइफ का एक मिरेकल था कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, मुझे ठीक कर दिया। और यही मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मुश्किल के समय में, दिक्कत में परमेश्वर का हाथ ना छोड़ें, उसको लगातार याद करते रहें और प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर हमेशा जवाब देगा हमारी प्रार्थना। ये थी मेरी छोटी सी टेस्टिमनी। थैंक यू सो मच। की सांस तो पीता हूँ, है ये
सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ कि आज परमेश्वर ने चुना है कि हम आपके सामने में गवाही पेश कर सकूँ। ये जो गवाही है बिहार का है, एक छोटे से गांव का, एक छोटे से परिवार का, और जिनका गवाही है उनका नाम मनीषा नाम है। वो मनीषा जो है एक महीना से वो बेड पर थी और उनका तबीयत इतना सीरियस हो गया था कि उनको अब लगता था कि उसको कोई भी नहीं बचा सकता है। डॉक्टर भी जवाब दे दिए थे और यहाँ तक कि गार्जियन भी जो थे उस घर का, सब कोई आस छोड़ दिए थे कि ये बच्ची बच भी सकती है। लेकिन जब अंतिम समय हुआ तो उन्होंने हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा कि मनीषा के लिए प्रार्थना किया जाए। और जैसे ही हमको प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आया, मैंने सब जगह प्रार्थना सभा में और चर्च में और छोटे छोटे जगहों में इस प्रार्थना रिक्वेस्ट को मैंने भेजा कि आप सब कोई मनीषा के लिए प्रार्थना कीजिए। और जैसे ही प्रार्थना होने लगा और एक सप्ताह बीत गया, लेकिन तब पर भी कुछ भी सुधार उस बच्ची में नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग भी उसके बाद में निराश हो गए थे और हम लोग सोचने लगे क्या किया जाए। लेकिन अंतिम समय में डॉक्टर ने बोला कि अंतिम समय है, ये बच्ची कुछ ही दिन जिंदा रह सकती है और इसके लिए हम चाहते हैं कि लास्ट ट्राई किया जाए। लास्ट में मैं सोचता हूँ कि एक बोतल खून दिया जाए और खून चढ़ाकर उसके बाद में देखा जाए कि बच्ची और दिन तक जी सकती है कि नहीं जी सकती है। उसके बाद में ऐसे करने के बाद में फिर से हम लोग सोचे कि नहीं, इस बार जो है फिर से हम लोग दुआ करेंगे। और फिर से मैंने अनुरोध किया सब लोगों से प्रार्थना के लिए और सब चर्चों में फिर से प्रार्थना होने लगा। सब कोई घुटने में आकर प्रार्थना करने लगे और फिर से प्रार्थना जब चालू हुआ तो एक ऐसा चमत्कार हुआ कि परमेश्वर ने एक आदमी को नियुक्त किया और वो आदमी को कोई भी नहीं जानता है। वो आदमी का राजू नाम है और उन्होंने हॉस्पिटल विजिट किया और जिस बेड पर वो बच्ची सोई थी उसी बेड पर उन्होंने पहुँचा और बच्ची से बात करना चाहा, लेकिन वो बच्ची कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसके बाद में उस परिवार के, उस बच्ची के परिवार से बातें की और बातें करने के बाद में उन्होंने बोला कि जो भी ज़रूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि पैसा भी लगेगा तो मैं दूंगा। और उसके बाद में वो परिवार वाले बोले कि अभी पैसा का तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ज़रूरत है, जो खून के लिए, क्या कि मेरी बच्ची जो है कुछ ही समय, कुछ ही दिनों का मेहमान है और एक कुछ दिनों में मरने वाली है, इसलिए लास्ट बार डॉक्टर बोला है खून दिया जाए। उन्होंने बोला कि हम तैयार हैं मैं खून देने के लिए। उसके बाद में उनको लैब में ले गया गया, उनका ब्लड टेस्टिंग हुआ और ब्लड जो है मैच हो गया। उसके बाद में वो राजू जो आदमी थे उन्होंने खून दिया और खून देने के बाद में उन्होंने 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। और जब 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहा वो भी दुआ प्रार्थना करते रहे, यहाँ तक कि जो भी पैसा लगाना था उन्होंने लगाया। और उसके बाद में 3 दिन के बाद में वो बच्ची रिकवर होना चालू की और कुछ ही समय में वो जो लड़की जो है मनीषा है वो ठीक हो गई और एक सप्ताह के बाद में डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। जब उन्होंने घर पहुंचा तो बहुत सारे लोग उनके घर आए और सोचने लगे कि बच्ची मरने पे थी लेकिन कैसे जी गई। लेकिन एक गवाही गुजरा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, और आज सब कुछ जानना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन सा परमेश्वर है जो चंगाई देता है। आज वहाँ के लोग आकर पूछ रहे हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह में आने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर इस गवाही पर आशीष दे, आमेन। दुख ये सह लिया।
आप सबको सबद की शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रीति बारा है और आज मैं आपके साथ अपना अनुभव बांटने जा रही हूं। मैं कॉलेज की आखिरी साल में थी और मेरी छोटी बहन तृप्ति हाई स्कूल में थी जब हमें ये पता चला कि हमारे पिता को कैंसर था। उनकी चंगाई के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं हुई, कलीसियाओं में प्रार्थनाएं हुई, हमारे प्रियजनों ने प्रार्थना किया और मुझे यह विश्वास था कि प्रभु मेरे पिता को जरूर चंगा कर देंगे। मेरे विश्वास और इन प्रार्थनाओं के पश्चात हमारे पिता का निधन हो गया और उस समय मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने हमें भुला दिया था। हमारा भविष्य बहुत ही अनिश्चित लग रहा था, लेकिन प्रभु ने हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपनी असीमित कृपा में हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा किया और प्रभु ने हमारे निजी जीवन को आशीषों से भर दिया और हमारे व्यावसायिक जीवन में सफलता दिया। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हैं या अगर आपने अपने प्रियजनों को खो दिया है, निराश ना होइए और विश्वास में बने रहें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में प्रभु ने हमें यह वचन दिया है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं इब्रानियों की पुस्तक से पढ़ना चाहूंगी। मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मैं कभी भयभीत ना बनूंगा। मेरी आशा है कि मेरे इस गवाही से आप सबको भी प्रोत्साहन मिलेगा। अपने जलाल की दौलत के मुहाफी, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है। आसमानी ने आगीत यीशु देता है, पाक रूह की
संगत से संगीत देता है, पाक रूप की संगत से संगीत देता है। तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुहाफी, अपने जलाल की दौलत के मुहाफी, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है। बंद दरवाजों को वो खोल देता है, बंद दरवाजों को वो खोल देता है, आंधी और तूफानों को वो रोक देता है, आंधी और तूफानों को वो रोक देता है। तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, 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 सब कुछ मुहैया करता है। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम सिद्धांत मुल्तानी है और मैं जलंधर चर्च से बिलोंग करता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सब YouTube प्लेटफॉर्म में मेरी अगुवाई को सुन सकते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी अगुवाही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जब मैं 6 साल का था और उससे पहले, पापा कोरिया में काम करते थे और वो वहाँ पर एज अ मिशनरी इन एडवेंटिस्ट चर्च में वो काम करते थे, और उससे पहले वो क्रिश्चियन नहीं थे, वो एडवेंटिस्ट नहीं थे। उससे पहले वो सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, हमारा पूरा परिवार जो था वो सिख फैमिली से बिलोंग करता था, और मेरा पहले एक काफ़ी लंबे बाल होते थे और टर्बन बांधा जाता था, ऐसा जैसे सिख फैमिली में होता है। तो जब पापा ने बैप्टिज़म लिया तो जो हमारा परिवार था वो भी चेंज हुआ। मम्मा ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, और मेरा छोटा भाई उसने भी, लेकिन जो हमारे दादा दादी थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं अपनाया। और जब पापा कोरिया में थे तो शैतान ने अटैक किया कि हम उसके प्रभु यीशु मसीह के रास्ते से भटक सकें। उसने मुझ पर अटैक किया कि मैं अपना विश्वास खो बैठूं, और मेरे खातिर जो मेरे पेरेंट्स थे, जो मेरे मम्मी डैडी थे, वो भी अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह से हटा लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शैतान ने अटैक किया, मुझे काफ़ी अजीब चीज़ें महसूस होने लगी, जैसे कि कोई चल रहा है, और मुझे काफ़ी अजीब चीज़ें दिखने लगी, और मैं बीमार हो गया, और मुझे रात को नींद नहीं आती थी, डर लगता था। लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी दुआ को सुना। पूरी चर्च, हमारी जलंधर चर्च और मेरी फैमिली और जो साउथ कोरिया में चर्च थी, वो पूरी मेरे लिए दुआ कर रही थी, मेरे लिए प्रेयर्स कर रहे थे, और खुदा का धन्यवाद कि उसने सुना। वाकई में खुदा की पावर है जो सबसे ऊंची पावर है, खुदा का नाम है जो सबसे ऊंचा नाम है, उसके नाम से कोई नाम ऊंचा नहीं है। जब पापा कोरिया से इंडिया आए तो उन्होंने प्रेयर की और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं आपके साथ अपनी अगुवाही शेयर कर सकता हूँ। अगर आज मैं अपनी बात करूँ तो खुदा ने मुझे एज अ थियोलॉजियन चुना है। मैं फिलीपींस में थियोलॉजी कर रहा हूँ, और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उसकी मिनिस्ट्री में काम कर सकता हूँ। मैं आपको भी यही आशा देना चाहता हूँ कि
खुदा हम सब के संग है, वो हमें कभी अकेले नहीं छोड़ते। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी अगवाही से इंस्पायर हुए हैं और खुदा आपको बहुतायत आशीषित करे। Hi everyone, my name is Lalom Puya, my friends call me Yopi. I am a gospel outreach voluntary worker in DMR Delhi Metro region. Today I am going to share how God changed my life. In your life, have you ever feel that you are rejected by your family? Have you ever feel that you are rejected by your community, your friend or your society? 10 years back, I am rejected by my family. I am rejected by my friend. I am rejected by my family because I was a drug addict. Nobody likes me. I was in a rock bottom. Most of my life I spent on the street. I spent my life in a drug rehabilitation center to overcome my addiction problem. But I cannot change my life. Although I was born in a very religious family, I was born in an Adventist family. I was a born Adventist. My family, my parents, they were very religious. I still remember my mother. She prayed for me. She went to the church early in the morning and prayed for me and cried for me. But I cannot change my life. But sometimes I want to change my life, but I cannot change my life. I cannot overcome my addiction problem by my own strength. One day,
there was a youth revival camping in our place. I went there and I was listening to the preaching. The preacher is preaching about the prodigal son. Then I realized that I am like a prodigal son. God is waiting for me. Then I realized that I have to submit my life and I have to admit all my addiction problem to God. Then at that time, God has changed my life. Then now I realize that nothing is impossible with God. I have tried many times to come out from my addiction with my own strength, but I cannot do it. But with the help of God, God do it for me. Today, as you see, God can change a drug addict into a gospel preacher. God can change a drug addict into a youth leader. God can change a drug addict into a church leader. God can change a drug addict into a gospel worker. 10 years back, I feel like I don't have hope. I don't have a purpose in my life. But when I admit and I submit my life into God's hand, I realize that God has a purpose for me. And today, as you can see that God gave me a beautiful ministry, I am very happy to serve in the global outreach ministry. Whenever I go for my outreach, I share about my testimony to my friend, how God changed my life. There is nothing impossible with God. God has a purpose in my life, I know that. God has blessed me with a beautiful wife, and God has blessed me with a new daughter. Just two weeks back, we have a new daughter. So today I want to share you that there is nothing impossible with God. Before I close my testimony, I would like to share from the book of Psalm. King David say in the book of Psalm, chapter 118, verse 17 and 18, I shall not die, but live and declare the works of the Lord. The Lord has sustained me severely, but he has not given me over to death. This is one of my favorite Bible verse. Now I realize that God has a plan and purpose in my life. He wants me to be a part of his ministry. Like me, he wants you to be a part of his ministry. So what we need to do is we have to totally submit ourselves into God's hand. Thank you. God bless everyone. कुछ भी मुसीबतों में
हैप्पी सैबत। आज की हमारी टेस्टमनी जो है वो मिस्टर नरेंद्र कुमार मनहर की है। मिस्टर नरेंद्र कुमार मनहर छत्तीसगढ़ रीजन में खुदा की सेवा करते हैं। वहां पर एक जगह है जिसका नाम है कोरबा। ये वहां रहते हैं और खुदा की सेवा करते हैं। इनका कहना है कि पिछले महीने इनकी मदर, जो इनकी माता है, वो बीमार थी। वो एक शुगर पेशेंट है और वो बीमार थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं जाऊं और अपने माता पिता से मिलके आऊं। जब ये वहां जा रहे थे, इनको पता ही नहीं चला कब इनको कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। और जब ये घर पहुंचे, इनकी वजह से इनके माता पिता कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। ये कहते हैं कि मेरी माता पहले ही बीमार थी और अब कुछ ज्यादा ही बीमार हो गई। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, उन्होंने चलना फिरना बंद कर दिया। ये बहुत परेशान हो गई। ये कहते हैं कि मेरे पिता भी बीमार हो गए और मैं भी बीमार हो गया। कहते मेरी खांसी नहीं बंद हो रही थी और बार बार बुखार चढ़ रहा था। ये कहते हैं कि जब मैंने चारों तरफ देखता था तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी। किस तरीके से इस महामारी ने लोगों को परेशान किया हुआ है, किस तरीके से इस महामारी ने बहुत से लोगों की जिंदगी ली है। कह रहे जब मैं अपने आप को देखता था तो बड़ा परेशान हो जाता था कि मेरी वजह से आज मेरे माँ बाप परेशान हैं। इनका कहना है कि मैंने खुदा से विनती की, दुआ की, अपने घुटनों पे आया और मैंने बाइबल का अध्ययन किया। इनका कहना है कि जब मैंने भजन संहिता 34 और 4 से 6 पढ़ा तो इनको बहुत तसल्ली मिली, जिसमें ये लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जान ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। इनका कहना है कि जब ये बीमार थे, इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ रीजन में, पूरे नॉर्थ इंडिया यूनियन में, जहां जहां भी ये सोच सकते थे, सब जगह इन्होंने दुआओं की पुकार लगाई। इनका कहना है कि मैंने विनती की लोगों से कि हमारे लिए दुआएं की जाए, और कहते हैं कि सबने हमारे लिए दुआएं की। इन्होंने अपने लिए खुदा के सामने विनती की और कहते हैं कि खुदा ने इनकी दुआ सुन ली। ये अपने तहे दिल से सबका शुक्रगुजार है। ये कहते हैं कि मैं पूरे छत्तीसगढ़ रीजन का, पूरे नॉर्थ इंडिया यूनियन का और जहां जहां से भी इनके लिए दुआएं की गई, सबका शुक्रगुजार है। ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा मैं उस परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं जिसने हमारी दुआ सुनी, जिसका अनुग्रह हमारे ऊपर था और मैं और मेरे माता पिता ठीक हो गए। ये आज बहुत शुक्रगुजार हैं और खुदा का धन्यवाद करते हैं और तमाम लोगों का जिन्होंने इनके लिए दुआ की। आमीन। अपन प्राण दिलाए ले
मोर तारनहारा, यीशु मोर तारनहारा, यीशु मोर पालनहारा, तारनहारा। हमर लगी तोहर लगी आए गेले यीशु हमर दुनिया में, हमर लगी तोहर लगी हमर दुनिया में। यीशु हमर जल्दी आवी, हमरे मन के लेके जावी। यीशु हमर जल्दी आवी, हमरे मन के लेके जावी। यीशु मोर तारनहारा, यीशु मोर पालनहारा, यीशु मोर तारनहारा, पालनहारा। हमर लगी तोहर लगी आए गेले यीशु हमर दुनिया में, हमर लगी तोहर लगी आए गेले यीशु हमर दुनिया में। यीशु मोर सबको यीशु सहाय, जय मसीह की। मैं आज आप सबके सामने श्रीमती प्रीति हेम्ब्रम की गवाही देने जा रही हूँ। वो पिछले 2 वर्षों से गंभीर सर दर्द से पीड़ित थी। ये दर्द दिन में अचानक कभी भी आ जाता, कभी तो ये 1 घंटा और कभी कभी उससे ज्यादा समय तक रहता। सर दर्द के साथ साथ अब उन्हें चक्कर, मचलन आना, अनिद्रा जैसी समस्या होने लगी। उन्हें अपने दैनिक कार्यों और गतिविधियों को करने में तकलीफ होने लगी, जिसके कारण अक्सर उन्हें अपने काम से छुट्टी लेना पड़ता और कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता कि वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनका दैनिक जीवन बर्बाद हो रहा था। तब उन्होंने फैसला किया कि उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उन्हें पुरानी माइग्रेन की बीमारी है। डॉक्टर ने उन्हें भारी दवाइयां दी और अगले 8 महीनों तक उनका माइग्रेन का उपचार चला। दवाइयां खाकर अब उन्हें अच्छा महसूस हो रहा था और अब वो अपने दैनिक कार्यों को बिना समस्या कर पा रही थी। लेकिन कुछ तो था जो सही नहीं था। दवाइयों ने उनके शरीर पर दुष्प्रभाव किया और कुछ ही महीनों में उनका वजन 8 से 9 किलो तक बढ़ चुका था। तब उन्होंने अपने मन में कहा कि केवल दवाइयों से नहीं चलेगा, मुझे अपने इस बढ़ते वजन के लिए कुछ करना चाहिए। और उन्होंने परमेश्वर से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। अब जब लॉकडाउन हुआ, तब उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए। दवाइयां समाप्त हो चुकी थी और 2 महीनों से वो दवाइयां नहीं ले रही थी, फिर भी वो अच्छा महसूस कर रही थी। वो एलन जी वाइट की शिक्षाओं के अनुसार स्वस्थ भोजन लेना शुरू किया। शुरू शुरू उन्हें भूख बहुत लगती थी और वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि उन्हें भूख पर नियंत्रण रखने पर मदद करें। एक ही हफ्तों में उन्हें अपने शरीर पर बदलाव महसूस हुआ। उन्होंने अपना दवाई पूरी तरीके से बंद कर दिया। नियमित व्यायाम के साथ साथ वो स्वस्थ भोजन लेने लगी, जिसका परिणाम ना ही केवल वो अपना वजन कम कर पाए, लेकिन उन्हें स्वस्थ महसूस होने लगा और वो अपने सर दर्द से भी उन्हें छुटकारा मिला। अपने इस बदले हुए जीवन शैली के कारण वो परमेश्वर से अपने आप को जोड़े रखने में और मजबूती पाने में उसे मदद मिली। लॉकडाउन के दौरान जब
कई घर स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे थे और उसे खा रहे थे, तब ये अपने आहार में इन्होंने नियंत्रण रखा और साथ साथ बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना प्रारंभ किया। ये ठीक हो रही हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ये आगे कहते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उनका महिमा करती हूँ कि उन्होंने इनकी मदद की कि ये अपने परिवार की देखभाल कर सके और अब ये अपना काम लगन से कर सकती हैं। आप सबों को श्रीमती प्रीति हेम्ब्रम की ओर से धन्यवाद।
रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Raat aur din aansu behte hain, duniya wale sab kehte hain, hai kaun kahan hai tera khuda, kyun hai itna बेचैन ये दिल, क्यों जाने ये गिरती जाती है, होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू मेरी रूह। This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me I give you. आप सभी को सैबत का सलाम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे भागीदारों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में भाग लिया, लोगों की गवाहियाँ पेश करी और स्पेशल गीतों को हमारे सामने पेश किया। हम आशा करते हैं कि आप सब इस प्रोग्राम से आशीष पाएंगे। आइए हम सब दुआ करेंगे। हमारे सच्चे ज़िंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर मौके का जो आपने हमारे जीवन में दिया कि हमें सैबत की घड़ियों में आपके नज़दीक आ सकते हैं, आपके वचन को पढ़ सकते हैं और लोगों की उन गवाहियों को सुन सकते हैं। पिता परमेश्वर, जो काम आपने उनकी ज़िंदगियों में किया, आप बात देना चाहते हैं कि आपने उन सारे लोगों की मदद करी। पिता परमेश्वर, उनको आशीषित करना और उनके घर परिवारों को सुरक्षित रखना। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे परिवारों में भी अपनी आशीष और बरकत बना के रखना। पिता परमेश्वर, जब इस सैबत की घड़ियों में हम प्रवेश कर चुके हैं, पिता परमेश्वर, इसको पाक पवित्र रखने में हमारी मदद करना। ये दुआ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में हम कर मांगते हैं, आमीन।